दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो किसी थ्योरम या किसी फार्मूले के ऊपर नहीं होगा। आज जो टॉपिक होगा वो काउची भैया भैया सब दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े भैया थे। काउची भैया, काउची के जो इतने थ्योरम दिए, इतने सब पढ़ाए, इतने सब उनके जो थ्योरम आए, इसलिए हम उनका नाम देते हैं काउची भैया। काउची भैया के जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो उनकी जीवन काल कितनी की थी, उन्होंने कितना थ्योरम दिया, कैसे कैसे और सब बातें उनके। काउची भैया के जीवन के बारे में बताने से पहले आपको एक फिल्म की याद दिला देता हूँ, जो हम तेरे नाम सलमान खान की मूवी देखे थे, तेरे नाम, जिसमें सलमान खान पागल था। पागल नहीं था, पर वो पागल हो गया था। कैसे? एक लड़की के पीछे, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से हमारे जो काउची भैया थे वो भी पागल हो गए थे। 19 की उम्र में वो भी पागल हो गए थे। सलमान खान भी 19 की उम्र में पागल हो गए थे, सिर्फ तेरे नाम पे उनको पागल खाने जाना पड़ा। क्या क्या आप लोग तो मूवी देखे होंगे। पर काउची भैया का जो पागलपन था वो एक अलग तरीके का पागलपन था, वो किसी लड़की के पीछे नहीं था। काउची भैया का जो पागलपन था वो 19 की उम्र में आया और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर आया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर उनका पागलपन छा गया था, एकदम से छा गया। तो काउची भैया ने बहुत सारे थ्योरम दिए, काउची फलाने, काउची ठिकाने, काउची बड़े भैया, काउची मझले भैया, काउची काउची काउची। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखेंगे तो काउची काउची। अगर आप काउची के सारे इक्वेशन को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और इक्वेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। तो हम बात करेंगे काउची भैया की उम्र के बारे में। काउची भैया का जो जीवन था बहुत ही कम उम्र का था। उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र में इतने सारे थ्योरम दिए, और भी आगे हम जब MSc करेंगे मैथ से तो उनका और थ्योरम पढ़ेंगे। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम रहा काउची भैया का, वो था काउची रीमान इक्वेशन। बहुत ही गजब का थ्योरम था भैया। मानो कि उस थ्योरम से पूरी अवकलन डिफ्रेंसिएशन की कहानी चेंज हो गई। इसके पहले हम क्या जानते थे, डिफ्रेंसिएशन का सिर्फ एक फार्मूला जानते थे, एक परिभाषा जानते थे, ये अवकलनीय है कि नहीं है। क्या करते थे, किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस करते थे, उसके बाद एग्जिस्ट करा देते थे। हम मान लेते थे ये हमारा फंक्शन होगा, वो अवकलनीय होगा, डिफ्रेंसिएबल होगा। पर काउची भैया आए, पूरे फार्मूला चेंज कर दिए, एक अपना इक्वेशन दे दिए, जिसे हम काउची रीमान इक्वेशन कहते थे। वो कहते थे कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, तो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो फंक्शन एनालिटिक डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं काउची भैया का जो फर्स्ट इक्वेशन था, काउची रीमान इक्वेशन क्या था। काउची रीमान इक्वेशन जो था वो ये था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता था डेल वी अपॉन डेल वाई। एक ये फार्मूला था, और एक इक्वेशन और था, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी पे यही बोलते थे काउची भैया कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, तो हमारी इस फार्मूले का सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। उनका ये पहला इक्वेशन था, उसमें उनकी हेल्प की रीमान भैया ने, बहुत ही अच्छे थे। उनके बारे में हम कोई और वीडियो पे बात करेंगे। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सिर्फ काउची भैया, काउची के थ्योरम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे कितने सारे थ्योरम दिए काउची ने। जो उनका फर्स्ट इक्वेशन था हमने बताया आपको, ये CR इक्वेशन था, इसे हम CR इक्वेशन भी बोलते थे, काउची रीमान इक्वेशन शॉर्टकट में। फिर दूसरा जो था उन्होंने दिया काउची फंडामेंटल थ्योरम, ये भी इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन से था, वो डिफरेंशिएशन था, ये इंटीग्रेशन से टॉपिक शुरू हो गया, काउची फंडामेंटल थ्योरम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये बोलते थे कोई अगर क्लोज कर्व हो गया, कोई डब्बा हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी आकार का हो गया, अगर वो क्लोज है, उसके अंदर का जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है हमेशा जीरो आएगा। ये बोल के चले गए, अभी तक सही है, लगभग 200 साल हो गए, कोई गलत नहीं कर पाए काउची भैया का ये फार्मूला।
जो काउची फंडामेंटल थ्योरम है अभी तक। दोस्तों जो तीसरा थ्योरम था एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम, वो बोलता था यदि कोई एनालिटिक फंक्शन है और उसके अंदर यदि दो रिंग टाइप शेप का एनालिटिक फंक्शन बन रहा है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। वो इस तरह से था उनका थ्योरम कि इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन अबाउट सी वन एफ ऑफ जेड प्लस सॉरी डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अबाउट सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड। ये इनका एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको इस लेक्चर का वीडियो जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद चौथा इनका टॉपिक रहा एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन इनका चौथा लेक्चर था, चौथा थ्योरम था जो कि इसी तरह से था, पर वहां क्या हो जाता था प्लस C3 f of z dz plus C4 f of z dz plus C5, मतलब ऐसे ही आगे लगातार अब होता था। ये उनका चौथा थ्योरम था जो कि एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम दिया जिसे हम काउची इंटीग्रल फार्मूले के नाम से जानते हैं। काउची इंटीग्रल फार्मूला इतना बेहतरीन था कि उसमें भी उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि यदि कोई क्लोज कर्व हो, चाहे जैसा चाहे ट्रिंगल हो चाहे स्क्वायर टाइप का हो या रिंग टाइप का हो या ट्रिंगल हो, किसी भी टाइप का क्लोज कर्व है, अगर उसके अंदर कोई पॉइंट अगर लाइज करता है तो उसके अंदर जो पॉइंट होगा उसका फंक्शनल वैल्यू बताते थे इस फॉर्मूले के द्वारा। क्या होता था उसका फंक्शनल वैल्यू होता था एफ ऑफ ए इक्वल टू होता था वन अपॉन का टू पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए डी जेड। ये उनका था थ्योरम, काउची इंटीग्रल फार्मूला था उनका ये। उसके बाद छठवां जो फार्मूला बना इनका उसी का एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला, वो भी इसी के तरह के था। यदि f of z equal to इतना होता था तो c1 c2 c3 इस तरह से था। फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट थ्योरम जो था एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा ही नहीं जिसे किसी और को आना पड़े और बताना पड़े कि ये काउची भैया ने छोड़ दिया। दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला, तो दोस्तों इसके पहले हमने काउची इंटीग्रल फार्मूला समझा, वो क्या था उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन भी काउची भैया ने कर डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा। काउची भैया ने बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम दी जो कि इस तरह से था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे एमएससी करेंगे तो हमें और सारे थ्योरम के बारे में पता चलेगा काउची भैया क्या क्या थ्योरम दिए, कैसे कैसे थ्योरम दिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।